अगर उसमें माइक्रोस्कोपिक कट भी लगता है तो पैरालाइज, लाइफ खराब, ये सोच के वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में जो फाइनल ऑपरेशन दिल्ली में हुआ था उसके लिए मैं 11 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहा। हॉस्पिटल की रैक्स में मेरी बुक रखी होती थी और हॉस्पिटल के डॉक्टर को लिख के देता था मैं कि मेरे स्कूल में यूनिट टेस्ट है या एग्जाम है तो मुझे टेम्परेरी डिस्चार्ज किया जाए। इस तरह पूरा 11वीं साल मेरा 11th क्लास हॉस्पिटल में गई। 11th क्लास पास करने के बाद, पेपर देने के बाद इसको ऑपरेशन कराया। तब तक रनिंग का, एथलीट का कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने ग्रेजुएशन की, फाइनल ईयर में था तो कुछ लगा अपने आप से कि मजबूत तो बनना चाहिए, कमज़ोर की तो कोई लाइफ नहीं है। और कमज़ोर को सबसे पायदान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी में हर जगह, तो मजबूत बनो तो कैसे बनो, लेकिन जो हमारी कंडीशन है उसी में रह के बनना पड़ेगा। हम 8 भाई बहन हैं, मेरे फादर के भी मैं टीचर थे उस समय, तो इस कंडीशन में रहते हुए कैसे मजबूत बनो। तो बाई चांस उस समय क्या हुआ, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का मैं मेम्बर बन गया और वहाँ से मुझे गीता प्रबोध नाम से 18 अध्याय की, हर अध्याय के ऊपर एक गीता वो मैं इशू करवाता था, उसको पढ़ता था। विवेकानंद की रोमे रोला लिखी हुई बुक मुझे वहीं से मिली थी, उन सबको पढ़ के मैं थोड़ा मेंटली स्पिरिचुअल स्ट्रांग बनने की शुरुआत वहाँ से हुई और मैं योगासन करने शुरू किए। और बीकॉम सेकेंड ईयर से लेकर आज तक कभी मुझे बुखार भी नहीं हुआ और रनिंग तब भी कहीं नहीं आई। 23 साल की एज में योजना आयोग में मेरी सरकारी जॉब लगी और 5 साल बाद 28 साल की एज में मेरी शादी हुई। उससे कुछ पहले कभी दौड़ने का शौक लगा कि चलो दौड़ देते हैं, लेकिन बिना गाइडेंस के भी था। और फिर शतरंज भी खेला मैंने कुछ दिन, चेस खेलने में फिर पता चला कि चेस मेरे लिए नहीं है क्योंकि हमारे घर में कंप्यूटर नहीं था। जिसके पास कंप्यूटर हो चेस में मूव डालेगा और उसके पास 10 वेरिएशन निकल जाएगा कि ये मूव चलेगी तो ये रिजल्ट आएगा इसका। दौड़ना शुरू इसलिए करा कि वो तो जब बीकॉम सेकंड ईयर में शुरू कर दिया था, पर इस तरह दौड़ना नहीं, फिटनेस के लिए जैसे सब लोग सुबह उठ के आधा घंटा 20 मिनट दौड़ते हैं उस तरह का दौड़ना शुरू किया। इस अल्ट्रा मैराथन नाम से उसका कोई अभी तक संबंध नहीं जुड़ा, अभी उसको जोड़ देता हूँ कैसे जुड़ेगा वो।